देखो सब बच्चे, हमको अब ये क्वेश्चन करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, है ना? विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, मतलब हमको बताना है कि कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं, है ना? कौन कौन से सेट यहाँ पर नल सेट, हमने पढ़ा अभी नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, सब एक ही बातें होती हैं। तो देखो ध्यान दो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। क्या पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू, यानी ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो दो से डिवाइड होते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर हम जानते हैं, वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन हो गया। तो क्या ये ऑड नेचुरल नंबर दो से डिवाइड होंगे? कभी नहीं होंगे। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड का मतलब ही होता है जो दो से डिवाइड ना हो, है ना? तो कह रहे हैं ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो दो से डिवाइड होंगे तो वो कभी नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, तो ये एक नल सेट है, यानी इसमें कोई भी, है ना, एलिमेंट्स नहीं आएंगे। इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है। देखो अगला, देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर मैंने बताया था आपको, क्या क्या प्राइम नंबर होते हैं याद करिए, टू होता है, थ्री होता है, फाइव होता है, सेवन होता है, बोलो, है ना, एलेवन होता है, थर्टीन होता है, सब प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर में क्या कोई इवन प्राइम नंबर होता है? देखो टू मैंने बताया बेटा, टू अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, है ना? तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसमें एक पॉइंट आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, टू। इस वाले में सिर्फ एक पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, टू आएगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो देखो एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, है ना? तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है? तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, है ना? इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, है ना? इसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है? देखो थर्ड देखें, x such that x belongs to n, मतलब x नेचुरल नंबर है, और x less than 5 and x greater than 7। देखो एंड का मतलब हुआ कि दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल करनी है। एंड का मतलब क्या हुआ कि दोनों की दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल करनी है। x 5 से छोटा भी है और x 7 से बड़ा भी है, है ना? x 5 से लेस भी है एंड x 7 से ग्रेटर भी। एंड का मतलब दोनों चीजें चाहिए। तो एक्चुअली दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, है ना? कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 5 से छोटा भी हो जाए एंड 7 से बड़ा भी हो जाए। तो दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक नल सेट है, है ना? ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है जो 5 से लेस भी हो जाए एंड 7 से ग्रेटर भी हो जाए। तो ये क्या हो गया बोलो, एक नल सेट हो गया, नल सेट। देखो ध्यान दो, यहां पर एंड है, मतलब दोनों कंडीशन चाहिए, 5 से छोटा भी हो एंड 7 से ग्रेटर भी हो, तो दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, x such that x belongs to natural number, x less than 5 और x greater than 7। तो कह रहा है ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से छोटा है या 7 से बड़ा। और आ गया, यहां पर एंड था, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी थी जो पॉसिबल नहीं थी, तभी इसका आंसर नल सेट था। लेकिन यहां पर और है, मतलब ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो जाए, हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है। देखो 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, है ना? 5 से लेस वाले चाहिए और 7 से ग्रेटर वाले चाहिए। तो 7 से ग्रेटर वाले क्या होते हैं, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, है ना? तो 5 से लेस वाले चाहिए या फिर 7 से ग्रेटर वाले चाहिए।
तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा है ना, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ये एक नल सेट नहीं रह गया। ठीक, तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। देखो अगला देखें, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, है ना, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दो पैरेलल लाइंस में ऐसा पॉइंट जो कॉमन हो। देखो जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन, दोनों पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों में हो? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि तो अगर एक पॉइंट इस पर लेंगे तो इस पर नहीं होगा, और अगर इस पर लेंगे तो इस पर नहीं होगा, है ना। तो दो पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, दो पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये एक नल सेट का एग्जांपल है, नल सेट का, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बोलो, नल सेट हो गया। ठीक, अगला देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेस देन वन, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेस देन वन, यानी एक्स जीरो से बड़ा है, वन से छोटा है ना। एक्स जीरो से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और वन से छोटा भी है। तो देखो ध्यान दो, ऐसा इंटीजर जो जीरो से बड़ा हो जाए और वन से छोटा हो जाए, है ना। अच्छा, जीरो के बराबर भी है। अब देखो, जीरो और वन के बीच में तो कोई इंटीजर होता नहीं, जीरो और वन के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता। हाँ, जीरो के इक्वल हो सकता है, तो इक्वल इसने दिया, तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। क्योंकि तो देखो, जीरो के इक्वल भी है ना, जीरो वन के बीच में कोई नहीं होता, लेकिन ठीक है, जीरो के बराबर तो होता है, तो जीरो के बराबर वाला एलिमेंट ले लिया, तो ये नल सेट नहीं रहा। नल सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसमें एक पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। देखो जैसे ये वाला है, इसको भी कहेंगे सिंगलटन सेट, है ना, सिंगल एलिमेंट, तो सिंगलटन सेट। इसमें भी देखो, सिंगलटन सेट, नल सेट नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, क्योंकि एक पॉइंट है, तो जब एक पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, यानी एक पॉइंट, है ना। नल सेट का मतलब उसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, इसमें एक पॉइंट है, तो क्या हो गया, बोलो, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, सब अच्छे ध्यान से इसको लिखो और नोट करो, जल्दी से फटाफट।